दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर उतरने जा रहा रूस का स्पेसक्राफ्ट लूना 25 अपना रास्ता भटक गया। इससे चांद पर लूना 25 की क्रैश लैंडिंग हुई है। लूना 25 मिशन फेल होने से रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। रूस के मून मिशन को बड़ा झटका लगा है। चांद की सतह पर उतरने जा रहा रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चांद पर क्रैश हो गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार रूस का लूना 25 अनियंत्रित कक्षा में घूमने के बाद चंद्रमा से टकराकर क्रैश हो गया। काफी अधिक देरी और असफलताओं के बाद करीब 50 साल बाद रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट 11 अगस्त को लॉन्च किया गया था। लूना 25 के क्रैश होने से रूस की अंतरिक्ष एजेंसी को बड़ा नुकसान हुआ है। इस मिशन के लिए भारी भरकम पैसा खर्च हुआ था। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और ऐसी जानकारी वाली वीडियो आपके लिए ला सके। दोस्तों, रूस का महत्वाकांक्षी मून मिशन लूना 25 फेल हो गया है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस ने रविवार को बताया कि लूना 25 अंतरिक्ष यान इच्छित कक्षा की बजाय अनियंत्रित कक्षा में चले जाने के बाद चंद्रमा से टकराकर नष्ट हो गया। आपको बता दें कि चांद पर सुरक्षित लैंडिंग को लेकर लूना 25 का मुकाबला भारत के चंद्रयान 3 से था। रूसी अंतरिक्ष यान को भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना था, लेकिन वो मिशन असफल रहा। ये 47 वर्षों के बाद रूस का पहला मून मिशन था। महज 11 दिन में ही चांद पर लैंड करने वाला था लूना 25। दोस्तों, रूस के लूना 25 का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र को एक्सप्लोर करना था। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव काफी खास बना हुआ है। यहाँ पर बर्फ के रूप में पानी जमा हो सकता है। रूस के लूना 25 में स्पेक्ट्रोमीटर और कैमरों सहित अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरण थे। इनसे चंद्रमा की सतह की संरचना का विश्लेषण किया जाना था, साथ ही वहां की तस्वीरें ली जानी थी। दोस्तों, रोसकॉस्मोस द्वारा लूना 25 को चंद्रमा पर लैंडिंग से ठीक पहले वाले ऑर्बिट में स्थानांतरित करते समय आपातकालीन स्थिति का सामना करने की सूचना दिए जाने के एक दिन बाद ये घटनाक्रम सामने आया है। रोसकॉस्मोस के मुताबिक लूना 25 को 21 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था। रूसी स्पेस एजेंसी ने पहले कहा था कि मिशन को एक असामान्य स्थिति का सामना करना पड़ा है, जब लूना 25 इच्छित ऑर्बिट की बजाय दूसरे पथ पर चला गया था और रोसकॉस्मोस के नियंत्रण से बाहर हो गया था। वर्ष 1976 में सोवियत युग के लूना 24 मिशन के बाद लगभग 5 दशकों में पहली बार 10 अगस्त को लूना 25 अंतरिक्ष में भेजा गया। इसने चांद के लिए ज्यादा सीधे रास्ते को अपनाया था और अनुमान था कि यह लगभग 11 दिन में 21 अगस्त तक लैंडिंग की कोशिश करेगा। लूना 25 की इस तेज यात्रा का श्रेय मिशन में इस्तेमाल यान के हल्के डिजाइन और कुशल ईंधन भंडारण को दिया गया, जो इसे अपने गंतव्य तक छोटा रास्ता तय करने में सक्षम बनाता है। दोस्तों, बता दें कि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव अपने संभावित जल संसाधनों और अद्वितीय भूवैज्ञानिक विशेषताओं के कारण विशेष रुचि जगाता है। चांद पर मौजूद यह अपेक्षाकृत अज्ञात क्षेत्र भविष्य के मून मिशन के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का आगामी आर्टेमिस 3 मिशन भी शामिल है, जिसका मकसद 5 दशक के अंतराल के बाद मानव को चंद्रमा पर ले जाना है। दोस्तों, लूना 25 के दुर्घटनाग्रस्त होने से रूस को काफी नुकसान हुआ है। लूना 25 मिशन का बजट करीब $200 मिलियन था, यानी रूस को इस मिशन के फेल होने से 16.6 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। इस $200 मिलियन के बजट में स्पेसक्राफ्ट को डेवलप करना, लॉन्च ऑपरेशन, मिशन कंट्रोल और चांद से मिले डेटा का वैज्ञानिक विश्लेषण शामिल था। वहीं भारत के चंद्रयान 3 का बजट सिर्फ 615 करोड़ था। भारत किफायती अंतरिक्ष मिशन के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। चंद्रयान 3 का बजट करीब 615 करोड़ है। ये दुनिया में सबसे कम है। फिल्म आदिपुरुष का बजट भी इससे अधिक है। भारत का चंद्रयान 3 23 अगस्त को शाम के 6:04 बजे चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। भारत का चंद्रयान 3 योजना अनुसार बिल्कुल ठीक तरह से अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानने के लिए अच्छा मिला तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे और कुछ जानकारी वाली ऐसी वीडियो लेकर।